नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं MCX और गेन का वीडियो ट्यूटोरियल। एल्गो ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग या एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, ऐसे नाम आजकल आपने बहुत सुने होंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स को इनके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको हम सरल भाषा में बता देते हैं कि इन तीनों का मतलब एक ही है और वो है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, यानी कि अपने आप होने वाली ट्रेडिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के डेट में ये पॉसिबल ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल भी होती है। आजकल के ब्रोकर्स एल्गो ट्रेडिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसकी एक आसान सी प्रक्रिया होती है और उसको करने के बाद ट्रेडिंग को ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बना दिया जाता है। आज के वीडियो में हम इस प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आपके पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी है जो आप ऑटोमेट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे ऑटोमेट होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूवर्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आती है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग API, जो कि हमें हमारे ब्रोकर की तरफ से मिलती है। दूसरा है ब्रिज टूल और तीसरा है स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जानते हैं API के बारे में। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एक्सेस होता है ब्रोकर की तरफ से एल्गो ट्रेडिंग करने का। इसके लिए ब्रोकर की दी हुई API के साथ ऑथेंटिकेशन करना होता है और ऑथेंटिकेशन करते वक्त हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ID एंड पासवर्ड डालने होते हैं। अगर ब्रोकर को लगता है कि आपने अपनी सारी डिटेल सही से डाली हैं तो वो उसके बदले में आपको एक एक्सेस टोकन देता है और कहता है कि इस एक्सेस टोकन का यूज़ करके आप हमारी सारी APIs को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर बुक की API से हमारे अपने सारे ट्रेड्स की डिटेल्स मिल जाती है, वहीं प्लेस ट्रेड की API से हम न्यू ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्रोकर द्वारा दिया हुआ एक्सेस टोकन सिर्फ एक ही दिन के लिए मान्य होता है। अगले दिन की ट्रेडिंग करने के लिए फिर से हमें ब्रोकर से नया टोकन लेना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गेट एक्सेस टोकन की प्रक्रिया हमें डेली करनी होती है। अगर एक भी दिन हमने ऐसा नहीं किया तो फिर उस दिन ट्रेड ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे। ब्रोकर की API मिलने के बाद हमें ऑथेंटिकेशन के बाद जो एक्सेस टोकन मिलता है उसका इस्तेमाल करके एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक ब्रिज टूल की आवश्यकता होती है। ब्रिज टूल वेब बेस्ड एंड डेस्कटॉप बेस्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। ब्रिज टूल का काम होता है स्ट्रेटजी के सिग्नल को चार्टिंग सॉफ्टवेयर एक्सेल या किसी और सॉफ्टवेयर के जरिए रिसीव करना और उसके लिहाज से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ सिग्नल को भेजना और वहां से भेजे गए सिग्नल का आउटपुट पता करके अपने पास स्टोर करना। नहीं समझे? चलो मैं फिर से बताती हूँ। ब्रिज टूल का काम है किसी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड मिले हुए इनपुट को बिना किसी डिले के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना और उस एंट्री को अपने पास सेव करके रखना। हमारी कंपनी का भी एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्रिज टूल के साथ साथ प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज और बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं तो आप 6 डेज का फ्री ट्रायल लेकर हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चार्टिंग प्लेटफॉर्म में मुख्यतः लोग मेटा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू और एमी ब्रोकर का यूज़ करते हैं। ये सब चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और वहाँ से वो सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, जिन सिग्नल्स को वहाँ से ब्रिज टूल्स तक भेजने के लिए कोडिंग करी जाती है और फिर वो एल्गो ट्रेडिंग के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ की, जिसका नाम है स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। रणनीति बनाना तो दोस्तों हर एक काम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिना रणनीति के किया गया काम अपने अंजाम तक आसानी से नहीं पहुंच पाता, तो इसीलिए हमारे प्रोसेस में भी रणनीति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम मैथमेटिक फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। बहुत समय से ही बहुत सारी स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में मशहूर हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इत्यादि। ये सभी एक प्रकार के मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जिनको किसी न किसी फॉर्म में कोड करके एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम उनको मेटा ट्रेडर में कोड करते हैं तो हम इसे इंडिकेटर कहेंगे, वहीं अगर हम इनको ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करते हैं तो हम
इनको कहेंगे पाइन स्क्रिप्ट। इसके अलावा अगर हम इनको एमी ब्रोकर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इनको कहेंगे AFL। इन सब फॉर्मूलाज को अलग अलग लैंग्वेज में जैसे कि सी शार्प, पाइथन, विजुअल बेसिक, ETC में कोड कर दिया जाता है ताकि ये सिग्नल को ब्रिज टूल तक पहुंचा सके, ब्रिज टूल उसके अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग को अंजाम दे सके। ये तो हमने बताया दोस्तों कि वर्षों पुरानी स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया में रहने वाले उन ट्रेडर्स की जो बहुत ही क्रिएटिव माइंड रखते हैं और ट्रेडिंग के लिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज को इनोवेट करते हैं। हमारे पास ऐसे ही ट्रेडर्स के लिए भी एल्गो ट्रेडिंग कर पाने का ऑप्शन अवेलेबल है। हमारी कंपनी कस्टम स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में उनकी मदद करती है, उनकी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट भी करवाती है। इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है और उसमें ये मेंशन करना होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी के लॉजिक्स क्या होंगे। वो स्ट्रैटेजी इंट्राडे होगी, पोजिशनल होगी, स्ट्रैटेजी के स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स किस प्रकार से होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रावधान रखना है या नहीं। इस तरह से बाय एंड सेल के लॉजिक्स आपको लिख के हमारी ईमेल आईडी पे भेजना होगा। हमारी डेवलपमेंट टीम आपकी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको एक वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट बताई जाएगी। अगर आप उस कॉस्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आपको वो कॉस्ट पे करनी होती है। उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर देते हैं। मात्र 2 से 4 दिन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी बनके तैयार हो जाती है और फिर आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर टेस्टिंग सफल रहती है तो फिर आप उसको ब्रिज टूल के साथ कनेक्ट करके अपनी रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।